नमस्कार दोस्तों, आप सबका कानपा एजुकेशन एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, इंस्ट्रूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ट्रेड एक्सचेंज, जिसे तीन यूरोपियन कंट्रीज़ ने एक तरीके से प्रपोज किया था, बनाया था ईरान के साथ ट्रेड करने के लिए। यहाँ पर ईरान पर यूएस का सैंक्शन लगा हुआ है, इसीलिए इस प्रपोजल को रखा गया था। और दोस्तों, यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने के लिए सिक्स और यूरोपियन कंट्रीज़ ने अब हामी भर दी है, यानी हाँ कर दी है। तो अपने इस लेक्चर में हम यही जानेंगे कि इसका ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या सिग्निफिकेंस है और जियोपॉलिटिक्स में ये किस तरीके से एक इम्पॉर्टेंट रोल अपना प्ले करने वाला है, सब कुछ जानेंगे अपने ही इस लेक्चर में। देन लेट्स बिगिन आवर टॉपिक ऑफ टुडे। देन फ्रेंड्स, आप सबको हमने पहले ही बताया कि इसे तीन इम्पॉर्टेंट यूरोपियन कंट्रीज़ ने ही बनाया है, जो कि 31 जनवरी को इंट्रोड्यूस किया गया था इसी साल 2019 में। और वो तीन कंट्रीज जो हैं यूरोप की महाशक्ति हैं, जैसे कि फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन। और दोस्तों, यहाँ पर ये जो तीनों कंट्री थी वो ईरान के साथ न्यूक्लियर डील में शामिल थी। उसके अलावा दोस्तों, जो सिक्स दूसरी कंट्रीज़ हैं जो इसमें शामिल हुई हैं वो हैं दोस्तों बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे एंड स्वीडन। और दोस्तों, इनमें से इम्पॉर्टेंट बात नोट करने वाली ये है कि बेल्जियम, डेनमार्क, नीदरलैंड, नॉर्वे जो हैं वो नाटो की मेंबर्स हैं। वैसे तो दोस्तों, यूएसए और नाटो मेंबर का अगर रिलेशनशिप देखें तो इस समय काफ़ी बुरे दौर में गुजर रहा है। यहाँ पर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी टफ नेगोशिएशंस इन कंट्रीज़ के खिलाफ एक तरीके से लगाने पर छिड़े हुए हैं, तो वो दूसरा मुद्दा है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स के बारे में बताना चाहता हूँ। इंस्टेंस एक तरीके से डॉलर की डोमिनेंस को चुनौती देने के लिए ही काम कर रहा है, पर दोस्तों उस तरीके से नहीं। यहाँ पर दोस्तों, डॉलर की चुनौती देने के लिए और क्या क्या दुनिया में काम हुए हैं, और दोस्तों यहाँ पर एक्सचेंज का क्या मतलब होता है, इन सब का जवाब के लिए हमने ऑलरेडी काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ बनाई हैं। आप इन सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। दोस्तों, सारे मामले को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अमेरिकन डॉलर कैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बना, यानी इंटरनेशनल करेंसी किस तरीके से बना। तो दोस्तों, इस पर भी हमने अपने यूट्यूब चैनल पर लेक्चर बना रखा है। उसके बाद से दोस्तों, और आपको डीप एनालिसिस करने के लिए ये भी पता होना चाहिए कि अगर डॉलर इंटरनेशनल करेंसी है तो यूएसए को इससे क्या क्या फ़ायदा होता है, क्या क्या चैलेंज मिलते हैं। अब दोस्तों, जब आपको ये पता चल जाएगा कि यूएसए को क्या फ़ायदा मिलता है या क्या इसको इस तरीके के चैलेंज मिलते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आप ये भी देखेंगे कि दूसरी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ या कंट्रीज़ के संगठन ने, जैसे कि यूरोपियन यूनियन ने भी डॉलर को चैलेंज करने की कोशिश की है, पर वो पूरी तरह से उसको एक तरीके से ओवरटेक नहीं कर पाया है। तो इसके पीछे क्या रीज़न रिस्पॉन्सिबल है वो हमने अपने डॉलर वर्सेस यूरो वाले वीडियो में कवर किया है। साथ ही साथ दोस्तों, और भी एक तरीके से इंपॉर्टेंट कंट्री है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर चाइना। चाइना काफ़ी हद तक एक तरीके से यूएस की सॉवरेनिटी के लिए थ्रीट बना है। देश जैसे कि दोस्तों, डॉलर का इस्तेमाल होता है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करने के लिए, तो यहाँ पर चाइना की स्ट्रेटजी है किसी भी तरीके से मॉनेटरी सिस्टम को यूएस से छीन लेने की। और दोस्तों, इस पर भी हमने डीप एनालिसिस करके वीडियो बनाए हैं। इन सारे वीडियोज़ को बनाने में हमें काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ा है, रिसर्च पेपर पढ़ना पड़ा है। तो दोस्तों, आप अगर इन सब चीज़ों को एक तरीके से बड़े ही आसानी से समझना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियोज़ देखिए। उसके अलावा दोस्तों, जो चाइनीज़ युआन है और डॉलर है उनके बीच में किस तरीके से कॉम्पिटिशन चल रहा है, तो सब कुछ दोस्तों यहाँ पर हमने डीपली कवर किया है। और दोस्तों, यहां पर एक तरीके से हमने एक इंपॉर्टेंट वीडियो भी बनाया है पेट्रो रूपी के कंसेप्ट को समझाने के लिए। और दोस्तों, ये सारा का सारा वीडियो आपको सिंपल एक जगह मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में। और दोस्तों, यहां पर आप उस प्लेलिस्ट का नाम देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन टू ग्लोबल ट्रेड डेरिवेटिव्स, और इसमें आ गया पहला वीडियो इसका इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज। तो दोस्तों, यहां पर हम सिंपली ये कहना चाहते हैं कि अगर दोस्तों आप इन सारी वीडियोज़ को देखते हैं तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट ये होगा कि आपको कोई सा भी इंटरनेशनल न्यूज़पेपर का बिजनेस के ऊपर अगर कोई सी भी न्यूज़ आती है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप उसे समझ नहीं पाएंगे। आप उसे बड़े ही आराम से समझ लेंगे, सिर्फ यहां पर कुछ घंटों की वीडियो को
देखकर, उन चीज़ों को सुनकर, तो आपके लिए लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेनिफिशियल होगा अगर आप यहाँ पर अपना 1-2 घंटा इन वीडियोस को देखने में देते हैं, तो आपका फ्यूचर में काफ़ी हेल्प होगा। जो इन वीडियोस को देखेगा वो एक तरीके से आगे निकल जाएगा उन एस्पायरेंट से जो अभी एक तरीके से यूपीएससी के को क्रैक करने की सोच रहे हैं। तो दोस्तों, फाइनल डिसीजन आपका होना चाहिए, आप इसे देखते हैं या नहीं। हमारे चैनल पर ये वीडियोस ऑलवेज अवेलेबल रहेंगी और दोस्तों यहाँ पर हम आपके लिए दूसरे इम्पॉर्टेंट वीडियोस भी लाते रहेंगे। आपको बस अगर हमें सजेस्ट करना है कोई वीडियो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल अपने इस टॉपिक में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही ये कंट्रीज़ ने अनाउंसमेंट किया, न्यू यूरोप टाइम्स में ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ छपी। उसके बाद से दोस्तों सारी दुनिया में ये न्यूज़ वायरल हो गई और दोस्तों यहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट रिएक्शन है। ऑफकोर्सली यूएसए को ऐसा डिसीजन नाटो कंट्रीज़ के कुछ मेंबर्स का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। यूरोपियन यूनियन की कंट्री से वो ऐसा बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करता था। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो 6 इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ ऐड हुई हैं इंस्टेक्स मैकेनिज्म में ईरान के साथ ट्रेड करने के लिए, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, वो एक तरीके से काफ़ी खुश हैं और वो यहाँ पर कह रही हैं कि इंस्टेक्स के साथ यूरोपियन एफर्ट्स का जो लेजिटिमेट ट्रेड करना है यूरोप और ईरान के बीच में, वो इससे काफ़ी एक तरीके से सुधरेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, लेजिटिमेट ट्रेड का इस्तेमाल हुआ है, अभी मैं बताऊँगा इसका क्या मतलब है। पर फिलहाल दोस्तों यहाँ पर यूएसए को भी खुश करने के लिए 6 न्यू इंस्टेक्स शेयर होल्डर्स जो हैं कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर उन्होंने इसको ज्वाइन करने के साथ ही कहा कि ईरान को जल्द ही बिना डिले किए जो एक तरीके से न्यूक्लियर एग्रीमेंट में जो एक तरीके से टर्म्स एंड कंडीशंस रखी गई थी उसकी कंप्लायंस उसको फटाफट शुरू कर देनी चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों ये चीज़ भी थी यहाँ पर, और एक तरीके से यहाँ पर यूएसए और ईरान के बीच में अपना रिलेशन बैलेंस करने की भी यूरोपियन कंट्रीज़ ने इम्पॉर्टेंट कोशिश की है। दोस्तों अब हम फटाफट ये जान लेते हैं कि इंस्टेक्स है क्या और काम कैसे करेगा। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, इंस्टेक्स जो है एक तरीके से यूरोपियन स्पेशल पर्पस व्हीकल है जो ईरान के साथ या किसी दूसरी कंट्री पर अगर यूएस सैंक्शन लगाता है तो वहाँ पर दोस्तों यूएस डॉलर में उस कंट्री के साथ ट्रेड नहीं हो पाएगा और ना ही स्विफ्ट प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हो पाएगा। अभी दोस्तों बताऊँगा स्विफ्ट प्लेटफॉर्म भी क्या होता है। यहाँ पर इन दोनों के ही जरिए अब इंटरनेशनल ट्रेड में वो कंट्री पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी, तो उसके लिए यहाँ पर इंस्टेक्स जो है वो काम करेगा। दोस्तों यहाँ पर जो मैं पहले कह रहा था लेजिटिमेट ट्रेड का क्या मतलब है, अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए कि लेजिटिमेट ट्रेड यहाँ पर उसका मतलब क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर इंस्टेक्स को बनाया गया है उन स्पेशली सेक्टर पर फोकस करने के लिए जो ह्यूमैनिटेरियन इन नेचर हो, जैसे कि ईरानियन पॉपुलेशन को आप एक तरीके से उनके साथ ट्रेड कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करके, मेडिकल डिवाइसेस को एक्सपोर्ट करके और एग्री फूड गुड्स को एक्सपोर्ट करके। ये दोस्तों ह्यूमैनिटेरियन नेचर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो एक तरीके से सैंक्शन लगे हैं वो एक तरीके से गवर्नमेंट के खिलाफ एक्शन लेने के लिए बने हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी जो सिविल पॉपुलेशन है वो क्यों सफ़र करे, तो उनके एक तरीके से सिविल पॉपुलेशन की कुछ प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए ये किया जा रहा है। और इसीलिए दोस्तों यहाँ पर यूएस जो है सैंक्शन लगाने से पहले सोचेगा क्योंकि उसको भी यहाँ पर ध्यान देना होगा कि ये ह्यूमैनिटेरियन पर्पज़ के तरीके से काम कर रहा है। फिलहाल ये तो सारी बोलने वाली बातें होती हैं, सबको यहाँ पर अपना ट्रेड बचाना ही है ईरान के साथ और इसीलिए दोस्तों वो यहाँ पर एक तरीके से इस इम्पॉर्टेंट सैंक्शन में जो एक तरीके से एक्सेप्शन केस है उसका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही हैं। तो दोस्तों इंस्टेक्स को समझने से पहले हम सबसे पहले स्विफ्ट को समझेंगे। दोस्तों स्विफ्ट जो होता है उसका सिंपल मतलब होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन। ये एक तरीके का दोस्तों जो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक हो गए, एग्जाम्पल के तौर पर भारत का हो गया RBI, अमेरिका का हो गया फेडरल रिजर्व बैंक, उनके बीच में एक नेटवर्क इस्टेब्लिश करता है जिससे जो ये दुनिया भर के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं आपस में रिसीव कर सके इन्फॉर्मेशन, भेज सके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में, यानी इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं उनका
एक तरीके से इंफॉर्मेशन लेन देन कैसे हो स्टैंडर्डाइज्ड सिक्योर और रिलायबल तरीके से, इसके लिए ये काम करता है। और दोस्तों ये काम कैसे करता है, तो ये जो स्विफ्ट है ये एक तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है जो अपना सॉफ्टवेयर और सर्विसेज बेचती है दूसरे देश के सेंट्रल बैंक्स को, और यहाँ पर दोस्तों इसके थ्रू ये काम होता है। स्विफ्ट का दोस्तों पहले का नाम है बिजनेस आइडेंटिफायर कोड्स, और दोस्तों हमारे देश में आरबीआई के थ्रू जितने भी एक तरीके से स्विफ्ट नंबर होते हैं सारे अलग अलग बैंकों को दिए जाते हैं जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में एक तरीके से काम करना चाहते हैं। आप दोस्तों अगर नेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको सिर्फ एक तरीके से अकाउंट होल्डर नेम चाहिए, यानी किसके नाम पर अकाउंट है, फिर वो किस बैंक में है वो चाहिए डाटा, उसका नाम क्या है, आईएफएससी कोड चाहिए और अकाउंट नंबर चाहिए, तब आप पैसा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन वही दोस्तों अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए करें तो आपको उसमें स्विफ्ट नंबर के पता होना ज़रूरी है। एक ही बैंक का अलग अलग लोकेशन का स्विफ्ट नंबर अलग अलग हो सकता है एक ही देश के अंदर, तो वो दूसरे इश्यूज हैं। जो मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं उनको इस बारे में बड़े ही अच्छे से पता होता है, या जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं हमारे इंपोर्टर एक्सपोर्टर उनको स्विफ्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए किस बैंक का स्विफ्ट नंबर क्या है, तभी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो पाएगा। तो आइए दोस्तों अब हम ये जानते हैं कि इंस्टेक्स काम कैसे करता है। तो ध्यान दीजिए हमारे इस डायग्राम पे, आप दोस्तों यहाँ पर एक तरफ ले सकते हैं ईरान और सैंक्शन कंट्री को, दूसरी तरफ आप ले सकते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ और नॉन सैंक्शन कंट्री को। यहाँ पर दोस्तों सैंक्शन कंट्री के तौर पर ईरान के अलावा दूसरी कंट्रीज़ भी इन्वॉल्व हो सकती हैं, और यूरोपियन कंट्रीज़ के अलावा यहाँ पर दूसरी कंट्रीज़ भी इन्वॉल्व हो सकती हैं अगर वो ईरान या किसी और सैंक्शन कंट्री के साथ ट्रेड करना चाहती हैं। अभी तक दोस्तों ये यूरोपियन यूनियन के मेंबर तक ही लिमिटेड हैं। आप दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक तरफ ईरान का इंपोर्टर और एक्सपोर्टर होगा और दूसरी तरफ यूरोपियन कंट्री का एक्सपोर्टर और इंपोर्टर होगा। अब दोस्तों यहाँ पर ईरान के एक इंपोर्टर ने सपोज़ कीजिए कि दवाई एक तरीके से वो ख़रीदना चाहता है यूरोपियन यूनियन के किसी कंट्री से, और दोस्तों यहाँ पर वो क्या करेगा, डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा, इंस्टेक्स पे रजिस्टर हो जाएगा, तो वो इंस्टेक्स पे जो रजिस्टर है मेडिकल सप्लायर यानी एक्सपोर्टर, उसको वो एक तरीके से रिक्वेस्ट भेजेगा उस चीज़ के लिए। यहाँ पर ये जो एक्सपोर्टर होगा अपनी दवाई भेज देगा इम्पोर्टर को, और दोस्तों यहाँ पर सिर्फ मटेरियल ट्रांजैक्शन होगा, ध्यान दीजिए सिर्फ मटेरियल ट्रांजैक्शन होगा। यहाँ पर इंपोर्टर ना एक्सपोर्टर को पैसा देगा, ना एक्सपोर्टर यहाँ पर इंपोर्टर से पैसे के लिए कोई एक तरीके से फोर्स करेगा। लेकिन दोस्तों ये सब कुछ रजिस्टर हो जाएगा इंस्टेक्स के लेज़र वाले एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन में, कि यहाँ पर यूरोपियन यूनियन का एक कंट्री जो है ईरान के साथ सरप्लस बनाए हुए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ईरान क्या करेगा, अपना कोई सामान है, सपोज़ कीजिए ईरान काजू बहुत अच्छा उगाता है, तो वो अपना काजू क्या करेगा यूरोपियन यूनियन के किसी कंट्री को वो भेजे, तो यहाँ पर दोस्तों वो एक्सपोर्टर बन जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों जब वो सामान वो भेज रहा है तो यहाँ पर दोस्तों कोई यूरोपियन यूनियन का दूसरा एक तरीके से मेंबर है वो उसको ख़रीद रहा है, तो वो उसको ख़रीद लेगा। यहाँ पर सेम उसी तरीके से मटेरियल ट्रांजैक्शन होगा, मनी ट्रांजैक्शन नहीं होगा। अब दोस्तों यहाँ पर ये ट्रांजैक्शन भी 100 रुपया का हुआ, तो यहाँ पर दोस्तों ईरान के अपना इम्पोर्टर और अपने एक्सपोर्टर उस 100 रुपये का यानी जितने का सामान वो भेजेंगे एक दूसरे कंट्री में, वो आपस में ही उस पैसे को ट्रांजैक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर इम्पोर्टर भी सेटिस्फाई हो जाएगा ईरान का और एक्सपोर्टर भी सेटिस्फाई हो जाएगा। और सेम केस यहां पर यूरोपियन यूनियन के केस में होगा, वो भी दोस्तों देख लेंगे कि यहां पर एक दूसरे देश का कोई अगर एक्सपोर्टर है नॉन सैंक्शनड कंट्री का, तो वो आपस में यूएस वाला जो प्लेटफॉर्म है स्विफ्ट का उसका इस्तेमाल करके अगर अलग अलग देश में है, और अगर एक ही देश के वो इंपोर्टर या एक्सपोर्टर हैं तो आपस में ट्रांजैक्ट कर लेंगे। तो इसका सिंपल मतलब ये हो गया, ट्रांजैक्शन का जनरेशन जो है ना ईरान से हुआ ना यूरोपियन कंट्री से हुआ, जो प्लेटफॉर्म है उनका एक तरीके से मनी जनरेशन के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा। और दोस्तों यही सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इस प्लेटफॉर्म की, बिना यहाँ पर यूरोपियन बैंक अपना यूरो दिए ईरान को या ईरान अपना एक तरीके से करेंसी दिए आपस में ट्रेड कर लेंगे, और यूएस को भी यहाँ पर इसके बारे में कोई ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल भी नहीं हो।
और दोस्तों साथ ही साथ बता दूं आपको कि इस प्लेटफॉर्म की पूरी सफलता अब इस बात पर निर्भर करती है कि इसमें कितने कंट्री इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि उनको ईरान या दूसरी सैंक्शन कंट्री के साथ बिजनेस करने का मौका मिलेगा। और यहाँ पर दोस्तों जितना यूरोपियन यूनियन या दूसरे जगह के कंट्री यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे नॉन सैंक्शन कंट्री के तौर पर, उनको यहाँ पर फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पर आपस में जो एक तरीके से नॉन सैंक्शन कंट्री के इंपोर्टर एक्सपोर्टर है जितने ज़्यादा बढ़ेंगे उनका एक तरीके से ट्रांजैक्शन करना उतना ही आसान होगा, उतना ही ऑप्शन अवेलेबल होगा। तो दोस्तों यह है हमारे इस इंपॉर्टेंट लेक्चर का वीडियो, आई होप आपको ये काफ़ी अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को बनाने के लिए दोस्तों हमने बहुत मेहनत की है, तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि अगर आपको फिर भी यहाँ पर कुछ अच्छा ना लगा हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसको इम्प्रूव करेंगे। और दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और दोस्तों यहाँ पर दूसरे इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म्स हो वहाँ पर भी शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपके अत्यंत आभारी रहेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारे लेक्चर के और जो PDF यहाँ पर मेंशन हुए हैं उनको अगर देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स के भी लिंक दिए हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, फेसबुक पेज पर भी जरूर विजिट करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।